हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रियलमी 11 प्रो 5G फ़ोन में आप लोग इस पैटर्न लॉक को कैसे तोड़ सकते हो। अगर आपके पास एक रियलमी 11 प्रो 5G फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है किसी ने पैटर्न लॉक लगा दिया है गाइस, या आप लोगों ने जो है पैटर्न लॉक को खुद ही लगाया था और पैटर्न लॉक जो है वो आप लोग भूल चुके हो, तो कैसे आप लोग अपने फ़ोन में जो है पैटर्न लॉक को तोड़ सकते हो, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा गाइस आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे फ़ोन में यहाँ पर जो है पैटर्न लॉक लग गया है। तो यहाँ पर मैं जो पैटर्न लॉक था मेरे फ़ोन में वो मैं भूल चुका हूँ गाइस, तो इसी पैटर्न लॉक को जो है मैं आप लोगों के सामने खोल के दिखाऊँगा। तो पैटर्न लॉक को तोड़ने के लिए सबसे पहले तो अपने फ़ोन को जो है आप लोग पावर ऑफ़ कर लीजिए, लेकिन पावर ऑफ़ करने से पहले आप लोग चेक कर लीजिए गाइस कि आपके फ़ोन में बैटरी परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा रहे। अगर आपके फ़ोन में जो है बैटरी एकदम लो होगा तो आप लोग जो है पैटर्न लॉक को मत तोड़िए, ठीक है गाइस, क्योंकि बैटरी लो होने के बाद भी अगर आप लोग पैटर्न लॉक को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपके फ़ोन में जो है कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए बैटरी परसेंटेज को थोड़ा ज़्यादा करके रखिए, चार्ज को थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए, उसके बाद आप लोग पैटर्न लॉक तोड़ सकते हो। उसके बाद आप लोगों को सिम को निकाल देना है गाइस। अगर आपके फ़ोन में सिम या मेमोरी कार्ड है तो उन दोनों को ही आप लोग निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप लोग अभी पैटर्न लॉक तोड़ सकते हो। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले जो अपने फ़ोन को पावर ऑफ़ कर लेना है। देख सकते हैं पावर ऑफ़ करने के लिए देख सकते यहाँ पर जो पावर बटन है इस पर लॉन्ग प्रेस करने से यहाँ पर पावर ऑफ़ का ऑप्शन नहीं आएगा गाइस। यहाँ पर आप लोगों को जो है इस पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन पे दोनों को एक साथ में क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके फ़ोन में पावर ऑफ़ का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर से आप लोग अपने फ़ोन को पावर ऑफ़ कर लीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो फ़ोन है वो पावर ऑफ़ हो गया है। तो पावर ऑफ़ होने के बाद आप लोगों को अगर पैटर्न लॉक को तोड़ना है तो इन बटन्स के मदद से आप लोग पैटर्न लॉक को तोड़ सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक पावर बटन है और यहाँ पर वॉल्यूम डाउन एंड अप बटन है, जिससे आप लोग वॉल्यूम को कम और ज़्यादा करते हो। तो पैटर्न लॉक को तोड़ने के लिए आप लोगों को सबसे पहले जो है इस पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को दोनों को एक साथ में आप लोगों को पकड़ के रखना है जब तक रियलमी का लोगो ना आए। जब रियलमी का लोगो आ जाएगा तब आप लोग इन बटन्स को छोड़ सकते हो। तो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ गाइस आप लोगों को, ताकि आप लोगों को जो है ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पावर बटन है और ये रहा वॉल्यूम डाउन बटन। तो दोनों को हम एक साथ में क्लिक करेंगे गाइस। तो यहाँ पर 1 2 3, तो दोनों को मैंने एक साथ में क्लिक कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग। तो रियलमी का लोगो आ गया है, तो अभी आप लोग इसको छोड़ सकते हैं। तो दोनों को ही एक साथ में छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को वेट कर लेना है। यहाँ पर एक यहाँ पर जो है यहाँ पर रिकवरी मोड आ जाएगा, देख सकते हैं रिकवरी मोड आ गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक इंग्लिश का ऑप्शन होगा, तो इंग्लिश के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला वाला ऑप्शन है फॉर्मेट डाटा का, तो इस फॉर्मेट डाटा पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पर जो आपका वेरिफिकेशन कोड है उसको डालना है। तो वेरिफिकेशन कोड जो है आपके फ़ोन में अलग अलग आ सकते हैं, जो भी आपके फ़ोन में ये कोड आए उस कोड को यहाँ पर आप लोगों को डाल देना है। डालते ही देख सकते हैं फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, फॉर्मेट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपका जो डाटा है वो वाइप होने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मेट डाटा हो जाने दीजिए, देख सकते हैं डाटा फॉर्मेटेड हो गया है। अभी आप लोग ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करते ही आपका जो फ़ोन है वो पावर ऑफ हो जाएगा। तो आप लोगों को घबराने नहीं गाइस, पावर ऑफ होने के बाद आपका फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन भी हो जाएगा। तो आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा वेट कर लेना है आपके फ़ोन का ऑन होने तक का। ऑन होने के बाद जो है आप लोगों को इस फ़ोन को सेटअप भी करना होता है, तो मैं इसी वीडियो में आप लोगों को सेटअप भी करना सिखा दूंगा गाइस। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं अपने फ़ोन का ऑन होने तक का। ऑन होने के बाद मैं आप लोगों को सेटअप करना भी सिखा दूँगा। तो देख सकते गाइस मेरा जो फ़ोन है वो ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक हेलो लिखा हुआ होगा और नीचे आप लोगों को एक ब्लू कलर का एरो बटन देखने को मिल जाएगा। तो इस ब्लू कलर के एरो बटन पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा गाइस। तो जो भी लैंग्वेज आप लोगों को सिलेक्ट करना है उस लैंग्वेज को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो कंट्री है उसको आप लोगों को यहाँ पर से सिलेक्ट करना है, तो कंट्री को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा,
तो इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ टर्म एंड कंडीशंस के ऑप्शन आएगा इस, तो यहाँ पर से जो है आप लोगों को सभी को एग्री करना होगा। अगर आप लोग एग्री नहीं करोगे तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, तो सभी को आप लोग ऐसे करके एग्री कर दीजिए। क्लिक करके देख सकते हैं मैंने सभी को एग्री कर दिए है। एग्री करते ही नीचे एक नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है, तो इस नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन आया, मतलब सिम डालने का ऑप्शन आया, लेकिन हम सिम को नहीं डालेंगे गाइस। अगर आप लोगों को डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डालेंगे। नीचे देख सकते हैं एक नेक्स्ट का ऑप्शन है, हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएंगे गाइस, लेकिन हम वाईफाई से भी कनेक्ट नहीं करेंगे अपने फ़ोन को। ऊपर की तरफ आप लोग देख सकते हैं स्किप का ऑप्शन है, हम स्किप पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ गूगल सर्विसेज का ऑप्शन आएगा। नीचे देख सकते हैं एक मोर का ऑप्शन है, इस मोर पे क्लिक करेंगे। और एक बार मोर का ऑप्शन आया है तो हम और एक बार मोर पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा गाइस, तो एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अनलॉक मेथड का ऑप्शन आएगा इस, यहाँ पर से जो है आप लोग फिंगरप्रिंट, फेस या आप लोग यहाँ पर से पासवर्ड को लगा सकते हो, लेकिन हम कुछ भी नहीं लगाएंगे गाइस। यहाँ पर ऊपर की तरफ एक स्किप का ऑप्शन होगा, हम स्किप पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर देख सकते हैं बटन्स आप लोगों को ऑप्शन आ गए, नेविगेशन बटन्स। तो आप लोग अगर बटन्स को यूज़ करना चाहते हो तो बटन्स पे क्लिक कीजिए। गेस्चर को यूज़ करना है तो गेस्चर्स पे क्लिक कर दीजिए। तो ये सेट करने के बाद नीचे एक नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कुछ रिकमेंडेड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग्स आएंगे, ये सब आप लोग पढ़ के ऑन ऑफ कर सकते हो। करने के बाद नीचे एक डन का ऑप्शन होगा, डन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही देख सकते हैं रियलमी UI लिखा हुआ है, और नीचे देख सकते गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आया है, तो हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने पैटर्न लॉक तोड़ने के लिए जो कोशिश की थी वो कोशिश जो है वो कामयाब हो गया है। तो अभी आप लोग सबसे पहले चेक कर लीजिएगा इसकी आपका जो पैटर्न लॉक है वो यहाँ पर खुल गया है कि नहीं। तो यहाँ पर हम स्क्रीन को लॉक करेंगे, अनलॉक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्वाइप करेंगे, और यहाँ पर देख सकते कोई भी पैटर्न लॉक हमारे फ़ोन में नहीं है, मतलब हमारे फ़ोन में जो पैटर्न लॉक था वो यहाँ पर खुल गया है। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने Realme 11 Pro 5G फ़ोन में पैटर्न लॉक को तोड़ सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।